हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कंगना के बयान को बचकाना बताया है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना अभी राजनीति में नहीं है, इसलिए वह ऐसे बयान दे रही है। हमारे जो माननीय सांसद है कंगना रनौत जी, वो कल रामपुर क्षेत्र में और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में गई है और हवाई जो है वो उन्होंने हवाई जो है वो इंस्पेक्शन की है और जो उनका बयान है वो बचकाना बयान है। और ये कहना कि केंद्र द्वारा जो है पैसा आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत में वही पैसा दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। उसके अलावा एक नया पैसा जो है वो ओवर एंड अबव जो हमारा हक था, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। कुछ लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में चर्चा करते हैं कि वो पैसा आया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायतों की स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्कीम्स तो नॉर्मल रूटीन की स्कीम्स है और ये हर स्टेट को जो स्कीम्स है, जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स, वो हर स्टेट को देती है और हिमाचल प्रदेश को भी वही पैसा मिला है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश को जो है कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कंगना रनौत जी अभी राजनीति में जो है नहीं है, उनको सिस्टम का पता नहीं है और एक फिल्म पर्सनैलिटी होने के नाते चर्चा में आना और एक भड़काऊ बयान देना और एक ऐसे शब्द बोलना जिससे मीडिया में जो है वो सनसनी फैले, वो उनकी पुरानी आदत है। समय के साथ जो है वो राजनीति सीखेंगी, ये सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किस तरह से चलता है वो समय के साथ सीख जाएंगी।